Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे वो है 2007 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म 1408, जो स्टीफन किंग की लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी की अडेप्टेशन है और इसके डायरेक्टर है माइकल हाफस्ट्रॉम। इस फिल्म के लीड एक्टर्स है जॉन क्यूजैक और सैमुअल जैक्सन। इस फिल्म के कई अल्टरनेट एंडिंग्स हैं और आज हम बात करने वाले हैं इस फिल्म के थिएट्रिकल कट के बारे में, जो टेस्ट ऑडियंसेस को पसंद नहीं आई थी और जिसमें प्रोटैगनिस्ट फिल्म के अंत में रूम से बाहर निकल जाता है। इस अल्टरनेट एंडिंग में इस फिल्म के फिलोसॉफिकल आइडिया को एक्सप्लोर किया गया है और कई सारे हिडन मीनिंग्स हैं। क्या होता है जब एक इंसान नर्क का एक्सपीरियंस करता है, अपने गिल्ट के नर्क में फंस जाता है और उसे उस नर्क से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा, ये सब इस फिल्म में दिखाया गया है। ये कहानी है माइक एंसलिंग नाम के एक ऑथर की, जो भूतों में या भगवान में बिलीव नहीं करता। जब से उसकी बेटी की डेथ हुई तब से वो अपनी बीवी के साथ भी नहीं रहता। माइक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखता है और उसकी बुक्स काफी सक्सेसफुल भी होती है, पर फिल्म की शुरुआत में हमें ये पता चलता है कि माइक को इन चीजों के बारे में लिखने का गिल्ट है, क्योंकि वो खुद भूतों में बिलीव नहीं करता और जब से उसने अपनी बेटी को खो दिया तब से वो अलग अलग जगह घूमता है इन एक्सपीरियंसेस के लिए और अपने बुक्स के रिसर्च के लिए। माइक चाहता है कि उसे कोई एक रीजन मिल जाए सुपरनैचुरल में बिलीव करने का, ताकि वो एक बार अपनी बेटी से बात कर पाए। फिल्म के पहले सीक्वेंस में इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है, जब वो एक होटल में जाता है और फिर से कुछ भी सुपरनैचुरल ना मिलने की वजह से अपसेट हो जाता है। माइक के साथ साथ हमारे जहन में भी एक सवाल उठता है, जो कि इस फिल्म के थीम्स में से एक है। क्या भगवान और भूत एग्जिस्ट करते हैं और क्या मौत के बाद की जिंदगी एग्जिस्ट करती है? माइक के लिए सच वही है जो उसने खुद एक्सपीरियंस किया और इसलिए वो सब कुछ करना चाहता है जो इस बात को प्रूव करे कि भगवान, स्वर्ग, नर्क या तो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। और माइक को सच का पता लगाने का मौका तब मिलता है जब अपनी बुक के रिसर्च के लिए उसे डॉल्फिन नाम के एक होटल के रूम 1408 में जाने का मौका मिलता है। अपने बुक लॉन्च इवेंट के बाद माइक एक बीच पर जाता है, जहां सर्फिंग करते हुए उसके साथ एक नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। इस इंसिडेंट के बाद जब वो एक कैफे में बैठा होता है तब उसे एक पोस्टकार्ड मिलता है। पोस्टकार्ड में लिखा होता है कि उस होटल के रूम 1408 में मत जाना। 1408 यानी 1408 को ऐड करें तो नंबर 13 बनता है और 13 को अनलकी नंबर माना जाता है। और ये देखने के बाद माइक वहां एक रात बिताने का फैसला करता है। रूम की चाबी मिलने से पहले वहां का मैनेजर मिस्टर ओलिन माइक को उस रूम की हिस्ट्री के बारे में बताता है। पिछले 68 सालों में उस रूम में 56 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 12 सुसाइड्स थे। और ओलिन उसे ये भी बताता है कि 1408 को 14th फ्लोर का एक रूम बताया जाता है, मगर क्योंकि इस होटल में 12th फ्लोर के बाद सीधा 14th फ्लोर है, तो टेक्निकली ये रूम 13th फ्लोर पर है और इस रूम में कोई भी एक घंटे से ज्यादा नहीं टिकता। माइक फिर भी उस रूम में रात बिताने का फैसला करता है। और इस रूम में जैसे ही माइक एंटर करता है तो उसके लिए वहां से बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। माइक के लिए इस रूम में आना उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है और कुछ ही देर में उसके लिए ये रूम हेल बन जाता है।
इस फिल्म में डिवाइन कॉमेडी और नाइन सर्कल्स ऑफ हेल का जिक्र हुआ है। और अगर डिवाइन कॉमेडी को इस फिल्म के साथ जोड़ा जाए तो इस फिल्म का मेन थीम हमें समझ आता है, जो इस रूम को हेल से जोड़ता है। लिम्बो, लस्ट, ग्लूटिनी, ग्रीड, रात, हियरसे, वायलेंस, फ्रॉड और ट्रेचरी। 14th सेंचुरी में एक इटालियन पोएट डांटे ने डिवाइन कॉमेडी नाम की एक एपिक पोएम लिखी थी, जिसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ लिटरेचर माना जाता है। इस पोएम को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इन्फर्नो यानी कि हेल या नर्क, पर्गेटोरियो यानी कि पर्गेटोरी जिसका मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें तकलीफ सहन करनी पड़ती है, और पैराडीसो यानी पैराडाइज या स्वर्ग। इस पोएम में मौत के बाद आत्मा का स्वर्ग तक के सफर के बारे में लिखा गया है, जहां आत्मा को सजा या इनाम मिलता है उसके कर्मों के आधार पर। इस पोएम में हम डांटे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जहां डांटे नर्क का सफर तय करता है और अंत में स्वर्ग तक पहुंचता है। और नर्क के सफर में नाइन सर्कल्स ऑफ हेल होते हैं, जिसके बाद पर्गेटोरियो और पैराडीसो आता है, जैसा कि डांटेज इन्फर्नो में बताया गया है। इन शॉर्ट, ये एक सफर है भगवान तक पहुंचने का। इस फिल्म में भी माइक यही सफर तय करता है, जिसका ये भी मतलब निकलता है कि माइक पहले ही मर चुका है। जब सर्फिंग करते वक्त वो मरते मरते बच जाता है, तब एक्चुअली वो डूब चुका होता है और पहले सर्कल ऑफ हेल में पहुंच जाता है, जिसके बारे में दूसरे कई फिल्मों में बताया गया है। लिम्बो में जाने का रास्ता पानी से होता है और यही इस फिल्म में बताया है। इस बात को प्रूफ फिल्म में आगे किया गया है, जब रूम में माइक फिर से पानी में डूबने लगता है। आगे के सारे एक्सपीरियंसेस जो माइक फेस करता है, वो पूरी तरह हेल का सफर है। ये सिर्फ इस रूम का हेल नहीं, पर माइक के अंदर के गिल्ट का हेल है, जो इविल या बुराई इस रूम में है, जिसे वो फेस करने वाला है और जिसे उसे खत्म करना होगा ताकि वो पैराडाइज तक पहुंचे। और अपने अंदर के हेल को, तकलीफ को खत्म करने के लिए माइक को अपने किए गए पापों की सजा भुगतनी होगी, और वो सारी सजा इस फिल्म में दिखाई गई है। माइक को इस फिल्म में ये सारे पाप करते हुए तो नहीं दिखाया गया है, पर फिल्म में सबटेक्स्ट को यूज करके व्यूअर्स को ये बताया गया है कि माइक ने शायद ये सारे पाप किए हैं। इन्फर्नो में लस्ट हेल का सबसे पहला लेयर है, जिसकी सजा में आत्माएं तेज हवा में बहती है बिना रुके, और उन्हीं हवाओं में और डार्कनेस में गुम हो जाती है। माइक को जब ये समझ आता है कि वो अब इस रूम में फंस चुका है, तो वो अपने बगल के रूम में रहने वाली एक औरत से मदद मांगने की कोशिश करता है और खिड़की से उसके रूम में जाने की कोशिश करता है, जब वो डार्कनेस और तेज हवाओं में फंस जाता है। अगर वो अपने रूम में वापस ना आता, तो वो हमेशा के लिए उसी डार्कनेस में रह जाता। ग्लूटनी
यानी कि लालच, जिसमें कोई इंसान किसी चीज का अडिक्ट हो जाता है। यहाँ माइक, जिसने अपनी बेटी को खो दिया, अपनी वाइफ से अलग रहता है और जिसका अपने फादर के साथ रिलेशन ठीक नहीं था, वो एक अल्कोहल एडिक्ट है, एक शराबी है। और इस पाप की सजा है ठंडे पानी की बारिश में तड़पना। ये रूम भी माइक को ठंडे पानी की बारिश में तड़पाता है जब वो रूम की दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है और दीवार में क्रैक्स आ जाते हैं। रात यानी कि क्रोध, जिसकी सजा में आत्माओं को पानी में डुबाया जाता है। ठंडे पानी की बारिश के बाद दीवार पे लगी पेंटिंग में से पानी बाहर आता है और माइक को उसमें डुबा देता है। माइक भी एक इगोइस्टिक आदमी है जिसका अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। इसीलिए उसे इस पाप की सजा मिलती है। माइक के लिए वायलेंस का मतलब था खुद पर वायलेंट होना और भगवान के ऊपर अपने भरोसे पर वायलेंट होना। अपनी बेटी को खो देने के बाद माइक का भगवान पर से सिर्फ भरोसा नहीं उठता, बल्कि वो स्वर्ग और भगवान के टॉपिक पर वायलेंट हो जाता है और इसकी सजा में तपते रेगिस्तान में हमेशा के लिए रह जाना होता है। माइक को इस सजा में एक तपते रेगिस्तान का एहसास इस रूम से मिलता है जब उसका रूम हद से ज्यादा गर्म होने लगता है। माइक वैसे तो फ्रॉड नहीं था, मगर खुद की किताबों में जो लिखा हो उस पर खुद को विश्वास ना होना, ये भी एक तरह का फ्रॉड है। माइक अपनी खुद की आस्था और दूसरों के भरोसे को धोखा दे रहा था, जहां भूतों के झूठे किस्से वो सच बनाकर बेच रहा था, जिसमें उसे खुद को भरोसा नहीं था। इसकी सजा में आत्माओं को तलवार से मारकर तड़पाया जाता है और माइक को भी इस सजा का एहसास मिल रहा था, जहां बार बार कोई अजीब सा डरावना भूत एक हथौड़े से उसे मारने की कोशिश कर रहा था। आखिरी लेयर है ट्रेचरी या विश्वासघात। जिन्होंने अपने किसी करीबी को धोखा दिया हो या उनका त्याग कर दिया हो, उन्हें बर्फ में जमा कर रखा जाता है। माइक ने अपनी बेटी की डेथ के बाद अपनी वाइफ को छोड़ दिया था और इसकी सजा भी उसे मिली। हर पाप की सजा काटने के बाद और इन्फर्नो से गुजरने के बाद पर्गेटोरी से गुजरना होता है, जहाँ सारे इंसानी बंधन और इस दुनिया से अपनी माया का त्याग करना होता है, जिसके बाद स्वर्ग में जगह मिलती है। डिवाइन कॉमेडी में डांटे को नर्क से गुजरने के बाद गेट ऑफ पर्गेटोरी में जाना होता है, जहां उसे फिर से एक पहाड़ चढ़ना होता है और एक एक करके अपने सारे पापों का और बंधनों का त्याग करना होता है, जिसके अंत में उसे उसका प्यार बीट्रेस मिलती है। माइक जब ये सारी सजा सहने के बाद रूम से बाहर निकलता है, तो उसे ये पता चलता है कि वो फिर से उसी रूम में आ गया है। इससे थक कर जब वो हार जाता है, तो वो भगवान से मदद मांगता है, जिसके तुरंत बाद उसे एक दरवाजा दिखता है। जब वो दरवाजा खुलता है, तो माइक को वो सारी सजाओं की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो गुजर चुका है। और तब उसके पास आती है उसकी बेटी, जिससे उसे सबसे ज्यादा अटैचमेंट था। वो फिर से अपनी बेटी को मरते हुए देखता है, जिसके बाद वो गुस्से में सारी चीजें तोड़ने लगता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और रूम का टाइमर रीसेट हो जाता है। अब माइक को इस नर्क से फिर से गुजरना होगा, पर इस बार
माइक गुस्से में नहीं है और ना ही उसे बाहर निकलने में इंटरेस्ट है। अब उसे सिर्फ एक चीज करनी है, उसे अब एक सेल्फिश इंसान की तरह नहीं मरना। ये रूम उसे सुसाइड करने के लिए बार बार कहता है, जहां उसे वो सारे भूत दिखते हैं जिन्होंने इस रूम में सुसाइड किया था। पर माइक ये जानता है कि अगर उसने दूसरों की तरह सुसाइड किया तो उन्हीं की तरह उसकी आत्मा भी इस रूम में हमेशा के लिए रह जाएगी, यानी कि इस नर्क में हमेशा के लिए रह जाएगी। और इसीलिए वो इस रूम को जला देता है और उसके साथ ही खुद को भी जलाने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी रूम तोड़कर फायरमैन आकर उसे उस रूम से निकाल लेते हैं। यहां भी एक हिडन मीनिंग है, जहां फायरमैन के हेलमेट पर नंबर 7 लिखा हुआ है और पर्गेटोरी के भी 7 लेवल्स होते हैं जिन्हें पार करने के बाद पैराडाइस मिलता है। माइक ने भी वो 7 लेवल पार कर लिए थे और वो अब पैराडाइस में जाने वाला था। अंत में माइक अपनी वाइफ के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है, जहाँ की दीवारें व्हाइट कलर की है। व्हाइट यानी कि पैराडाइस। अब ये रूम की दीवारें खाली है, जहाँ कोई पाप, कोई दुख और कोई अटैचमेंट्स नहीं है। और जब माइक अपने टेप रिकॉर्डर को सुनता है तो उसे और उसकी वाइफ को उनकी बेटी की आवाज सुनाई देती है, और इससे ये प्रूव हो जाता है कि माइक ने जो भी एक्सपीरियंस किया वो उसका भ्रम नहीं था। भ्रम और इल्यूजन्स की बात करें तो इस फिल्म में माइक के आगे जितने भी भ्रम दिखाए गए हैं वो सब उसके फेथ या विश्वास को रिलेट करते हैं। रूम में वो अपने पास्ट को देखता है, अपनी फैमिली से बात करता है और खुद के उस रूप को देखता है जो वो खो चुका था, जहां तकलीफ में होने के बावजूद उसका भगवान में विश्वास था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।